इतनी गर्मी है तो चलो मेरे सारे ज्वेलरीज उतारते उतारते मैं आपसे शेयर भी कर देती हूँ कि आज मैं कहाँ गई थी। आज मैं गई थी मेरी फ्रेंड के बेटे के अन्नप्राशन में। हाँ, मेरे फ्रेंड ग्रुप में मेरी जो फ्रेंड है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, उसके बेटे का आज अन्नप्राशन था। आज हम लोग वहीं पे गए थे। मेरी दूसरी और एक फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज, मेरी कॉलेज की बेस्टी, ठीक है, वो भी आज आई थी। व्लॉग में आप उसे भी आज देख पाओगे। एंड सबके साथ हमने बहुत ज़्यादा मस्ती किया, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। दोपहर में था, बैरकपुर गए थे हम लोग। एंड वहाँ पर लाइक श्रीहान का आज राइस सिटिंग सेरेमनी था। वहाँ पे जाके हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। आज व्लॉग में आपको वो सारे क्लिपिंग्स, मुझे जितना ट्राई की हूँ वो क्लिपिंग्स को ऐड किया है। आई होप यू विल इंजॉय। आप देखना, एंड आई होप आज का व्लॉग आप इंजॉय करोगे बहुत ही ज़्यादा। हाँ, स्किप नहीं करके पूरा व्लॉग को आप देखना, ठीक है। एंड कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग मेरा कैसा लगा। और जो भी न्यू हो मेरे चैनल पे एंड अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे यूट्यूब चैनल को, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइज। अभी आप इंजॉय करो मेरा ये व्लॉग को पूरा पूरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्वेंटी स्टोरी। आप तो देख ही पा रहे हो कि मैं ऑलरेडी पूरा पूरी रेडी हो चुकी हूँ। एंड आज मैंने पहना है ये ब्यूटीफुल सा साड़ी। हाँ, ये है मेरा OTD। एंड सी, ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड आई होप मैं बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। एंड सी, दिस इज अ सच अ ब्यूटिफुल साड़ी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये साड़ी। हाँ, साड़ी की तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर ही दी और अपनी भी तारीफ खुद ही के मुंह मैंने कर ही दिया। चलो आपसे आज बताती हूँ कि मैं कहाँ लेकर चलूंगी आप सभी को आज। इसके लिए मैं बहुत जल्दी उठ गई, अनाज बना लिया सत्तू का घोल एंड इसे पीकर हो जाती हूँ मैं जल्दी जल्दी से तैयार। और लो, मैं निकल गई जाने के लिए बैरकपुर। मैं आज बैरकपुर जा रही हूँ शुभ के साथ एंड वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, सबको ही आ रहे हैं। आपने अगर मेरा लास्ट व्लॉग देखा है तो आप जानते हो कौन कौन आ रहे हैं। ऑलमोस्ट मैं थोड़ा लेट हो गई थी एंड पहुँचने वाली हूँ। लो, मैं आ गई हूँ फॉरएवर बैंक्वेट बैरकपुर में श्रीहान के राइस सेरेमनी के लिए। जी हाँ, आज उसका राइस सेरेमनी था एंड इसको बंगाली में मुखे भात कहते हैं एंड नॉन बंगाली में आई थिंक मुँह झूठी कहते हैं। आपके रीजन में एंड रिलीजन में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपने तो पिक्चर एंड वीडियो देख के पता चल ही गया है कि मैं आज किसके बेटे के राइस सेरेमनी में आई हूँ। आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में इन्हें देखा ही है, मेरी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। आफ्टर श्रीहान के राइस सेरेमनी के बाद हम लोग भी आ गए ऊपर पेट पूजा करने के लिए एंड देन पेट पूजा करने के साथ बहुत सारे गपशप किए, बहुत सारा पिक्चर्स लिया। उसके बाद हम लोग जल्दी से नीचे आ गए क्योंकि हमें यहाँ पे बेबी के साथ करना था काफ़ी सारा फोटोशूट। बेबी के साथ काफ़ी सारा फोटोशूट किया, इंजॉय किया। उसके बाद बेबी ने भी अपना काफ़ी सारा फोटोशूट किया एंड देखो कैसे केक भी इंजॉय कर रहा है। एंड मैं अनामिका एंड सूचना दी ऑफिस से ही बेस्टी है एंड हम लोग तीनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते थे एंड यहाँ पे उनके बेबी के राइस सेरेमनी में आके कितना अच्छा लग रहा है। उनका एक क्यूट सा बेबी भी हो गया है, नाउ ही इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। बट अब हो गई थी जाने का टाइम एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं और मेरी फ्रेंड बेबी को एंड सुषमा दी को बाई करके चले गए अपने घर के तरफ। एंड मेरा फेस देखो, चाहे जितना भी मस्ती कर लो, गपशप कर लो, बट जाने के टाइम ख़राब तो लगता ही है। मेरा फेस देख के आपको समझ में आ ही रहा है, आई वॉज़ वेरी सैड कि हाँ और भी थोड़ा ज़्यादा रहते तो कितना मज़ा आता, बट जितना भी टाइम स्पेंड कर ले हमेशा लगता है कम ही पड़ गया है। हाँ, मैं यहाँ पर, प्लीज़ अवॉइड दिस मेस, ये सब मैं आज कहीं जाने वाली थी उससे पहले तो आपको पता ही है।
कि क्या होता है घर का हाल। एंड इतने सारे मेरे साड़ी सब यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं। मुझे आज बहुत सारा काम है क्योंकि मैं सोची थी कि मैं आने के बाद जाऊंगी थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, किस लिए वो भी आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। सो बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल अगेन। इतनी ज्यादा गर्मी है कोलकाता में, मेरे को लग रहा है घर से बाहर निकलने की मन ही नहीं करिए। एंड आई एम ऑल्सो एग्जॉस्टेड, आप मुझे देख ही पा रहे हो कि आई एम फीलिंग सो एग्जॉस्टेड। सो हाँ, इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। एंड बहुत ज़्यादा आप मुझे देख ही पा रहे हो, आई एम सो एग्जॉस्टेड दैट अभी मुझे बस लग रहा है कि अब मुझे रेस्ट करना है घर पे। कोई नहीं, दूसरे दिन जब जाऊंगी शॉपिंग पे एंड कहाँ जा रही हूँ, क्या ले रही हूँ, आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। मैंने जैसा बोला, जितना हो सके मैं आपके साथ सब कुछ ही ट्राई करती हूँ शेयर करने का। सो हाँ, एंड अभी मैं वहाँ से आ गई हूँ घर पे, थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। एंड टाइम तो नहीं हुआ था गाइस, स्टिल मैंने यहाँ पर संध्या पूजा कर लिया। अभी तक संध्या हुआ नहीं था, बट आई थॉट लेट हो गई हूँ शायद, पता नहीं, संध्या पूजा कर दी। अभी टाइम देख रही हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, जल्दी ही संध्या पूजा करना हो गया मेरा। सो चलिए अभी आपसे मिलाती हूँ। सो ये भी प्लेट में खाना नहीं खा रहे, प्लेट में पानी है। इनको ऊपर उठा के देने से उनको कंफर्टेबल होता है शायद, तो प्लेट से निकाल के ऊपर दी हूँ तभी ये खाना खा रहे हैं यहाँ पर। दोपहर से नहीं देखे हम लोगों को। तो मेकअप रिमूव कर लिया, पूरा पूरी हो गई हूँ, अब जाऊंगी थोड़ा रेस्ट करके थोड़ा डिनर का प्रिपरेशन करने के लिए। सो आज का व्लॉग इतना ही था गाइज, मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, बट मैंने अपना मेकअप रिमूवल का एक वीडियो बनाया है, अगर आप वो आप देखना चाहो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग गाइज, बाय, लव यू, टेक केयर।